मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर नाउ, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ओके, इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेवलपमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट. ओके, नाउ इन द सेकेंड चैप्टर वी हैव सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? ठीक है, लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स. यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज यू स्पीक. जितना एक मिनट में हम बोलते हैं उससे ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ हमारे आसपास होती हैं. हाउ डू यू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़, किस तरह से हम इन एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करें, कैसे समझेंगे? वन वे ऑफ डूइंग इज़ टू ग्रुप दैम. या तो उनको ग्रुप बना लो, उनका क्लासीफाई कर लो, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लेके उनको ग्रुप बना लो, या फिर दिस ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर. इन्हीं ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, देयर कुड बी सेवरल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस एंड वन थिंग इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. इनके अलग अलग मेथड होते हैं किस तरह से हमने इसका ग्रुप बनाना है. ठीक है, नाउ सो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच जनरेट सम इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट इज मेकिंग मनी फ्रॉम हिज वर्क. उससे उसका पैसा आ रहा है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरीज. थ्री हमने सेक्टर्स बनाए, अभी मैंने बताया था ग्रुप बनाते हैं, तो हमने थ्री सेक्टर्स बनाए, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर. व्हाट इज प्राइमरी? विच इज़ रिलेटेड टू फार्मिंग एक्टिविटीज. ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू फार्मिंग दैट कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर. ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग दैट्स आर कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर. एंड टर्शरी सेक्टर, दोज एक्टिविटी विच प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर सेक्टर्स. जो हमारे दो सेक्टर्स हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों को सपोर्ट करता है, दैट इज टर्शरी सेक्टर. ठीक है, नाउ जो हमारा फर्स्ट है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, सो देयर आर मेनली एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. जो हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से यूज़ करके कर रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कल्टीवेशन हो रहा है कॉटन का. कल्टीवेशन किसका हो रहा है? कॉटन का कल्टीवेशन है. तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन में क्या है? इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन. ये क्रॉप सीजन में होता है. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स. हम ज़्यादातर जो हैं मेनली, मतलब ज़्यादातर इस पर, लेकिन ये नहीं कि पूरी होल तरीके से हम उस पर डिपेंड करते हैं नेचुरल फैक्टर्स में, जैसे रेनफॉल है, सनशाइन एंड क्लाइमेट. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है. सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी, जैसे हम डेयरी की बात करते हैं, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस पर डिपेंड करता है. ठीक है, कि एनिमल के लिए जो फॉडर है वो कितना अवेलेबल है. द प्रोडक्ट है मिल्क ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है. सिमिलरली मिनरल्स एंड ओट्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. वैन वी प्रोड्यूस अ गुड बाई एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. तो जब हम कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो वो हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंडर वो एक्टिविटीज़ आती है. वाई प्राइमरी? क्यों बोलते हैं इसे प्राइमरी? दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स अ बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? फॉर्म कर रहा है एक बेस दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए जो हमने आगे बनाने हैं. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. ठीक है, सो प्राइमरी सेक्टर, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स अ बेस फॉर अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. सिंस मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. एग्जाम्पल, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर, वॉट इज सेकेंडरी सेक्टर? द सेकेंडरी सेक्टर इट कवर्स द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन टू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. जिसको हम एसोसिएट करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, सो इट इज़ विद द नेक्स्ट स्टेप. प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का. द प्रोड्यूस इज़ नॉट, द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर.
प्रोडक्ट जो है नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है, बट हैज़ टू बी मेड, लेकिन बनाया जाता है, कुछ प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का जो इसके लिए ज़रूरी होता है। दिस कुड बी इन फैक्ट्री, या तो फैक्ट्री में हो रहा है, वर्कशॉप पे हो रहा है, और एट होम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉटन फाइबर को यूज़ कर रहे हैं प्लांट से, सो वी स्पिन यार्न, हम उसको स्पिन करते हैं, यार्न को, क्लोथ को वीव करते हैं। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, वी मेक शुगर और गुड़। अगर हम शुगर केन की बात कर रहे हैं, तो शुगर केन से हम लोग गुड़ बना रहे हैं या शुगर बना रहे हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल इंडस्ट्रीज दैट कम अप, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ थर्ड वन इज टर्शरी। After primary and secondary sector, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from above two. जो tertiary sector होता है ये दोनों से अलग है, ठीक है। These are the activities. So tertiary sector में these are the activities that help in the development of primary and secondary sector. These activities by themselves do not produce a good, but they are aid or support for the production process. ये प्रोड्यूस खुद से नहीं करता है, लेकिन ये एक तरह से हेल्प करता है, सपोर्ट करता है दोनों सेक्टर्स को, ठीक है। जैसे सपोज अगर हमने प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारी, लेकिन जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करा उसको हम एक जगह पे नहीं रख सकते, उसको ट्रांसफ़र करना है, हमने ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, इधर उधर हमने भेजना है सेलिंग के लिए। तो उसके लिए जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की है या हम लोग एम्प्लॉयज़ वगैरह रख रहे हैं, तो दैट इज़ कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। We also need to talk to others over telephone. हमने letters भेजने या किसी से phone पे बात करनी है अपने काम के regarding, या bank से जाना है to help production and trade, transport, storage, communication, banking, trade, ये सारे examples होते हैं हमारे tertiary activities के, ठीक है। tertiary sector को हम service sector भी बोलते हैं, this sector is also called service sector. Since these activities generate services rather than goods, इसमें services generate हो रही हैं, goods generate नहीं हो रही, लेकिन service generate हो रही, that is why this is called service sector, ठीक है। Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production. कई बार ऐसा होता है कि मतलब service sector में ये नहीं है कि सिर्फ जो production से related activities हैं वही आती हैं, इसमें और भी जितनी services होती हैं, जैसे हमें teachers चाहिए, doctors चाहिए, वो सारे हमारे tertiary sector में include होते हैं, ठीक है। So now, in this lecture, we have studied only about these sectors. In the next lecture, we will start our new topic, that is comparing the three sectors. You have to make these notes in your FAIR notebook. You have to copy these notes in your FAIR notebook. Okay, do only question answers. You have to copy all these notes in your FAIR notebook. And you have to do home assignment on this lecture. If you have any query, you can write in the note box whenever you are doing your work, homework in the homework side. So you can write a note. In the note box, you can write your query. In the next lecture, we will first resolve your query and then we can continue. Okay. Thank you. Have a nice day.